आपको कभी मिमी खाने का मन हो तो आप किस टाइप से मिमी बना के खाते हो? ये है मिमी और इसमें हम डाला है ये वाला भुजिया, आलू भुजिया, इसका साथ में मिक्स कर दिया। और मिमी का पैकेट इस टाइप से होता है, ये वाला मैंने 2 पैकेट लिया है। और इसका मसाला भी मैंने नहीं फेंका है, इसको रख दिया है, इसको मिक्स करके खाएगा। और साथ में मैंने डाला है टमाटो और 2 चिल्ली, 3-4 चिल्ली छोटा वाला, और एक प्याज और गाजर घर पे पड़ा रहा तो मतलब ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको भी मिक्स करके इसका साथ बना के खा सकते हैं। तो जब भी अगर आपको चटपटा कुछ खाने का मन हो तो मैं इस टाइप से बना के खाती हूँ। आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोग कैसे बना के खाते हैं। तो चलो थोड़ा सा इसको रेडी करके आपको दिखाएगा। ये मेरा टमाटर, गाजर और प्याज लहसुन काट के रेडी हो गया। अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ये गया प्याज, ये गया प्याज और टमाटो, गाजर, और ये मिर्चा। ये बहुत छाल होता है इसलिए मैं इसे हाथ से नहीं चाकू से उठा रहा हूँ। ये देखिए, और इसमें ऐड कर दूंगा ये जो मिमी का मसाला और ऑयल जो है। आप चाहे तो जैसे भी बना के खा सकते हैं, थोड़ा और सामान ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे कि मूंगफली हो गया और क्या बोलते हैं मूंगफली, कुछ और जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से बना के आप खा सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइए ज़रूर, प्लीज़ आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइए। कि आपने कभी ऐसे चटपटा कुछ खाने का मन किया तो इस टाइप से बना के खा सकते हैं, अपना घर में जो अवेलेबल है वहीं से बना के खा सकते हैं इसको। और इसमें हल्का सा नमक दे देते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं आप इसको कोल्ड ड्रिंक का साथ में आराम से दिन को या फिर जब भी स्नैक का टाइम, खाने का टाइम हो उसी हिसाब में आप खा सकते हैं इसको। तो ये इसको मिक्स कर देगा और हो गया खाने के लिए रेडी।